Welcome back to my YouTube channel. If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel. Good morning, everyone. In this video, we will solve chapter number 1, name is revision, on page number 7. In this chapter, question number 1 is fill in the blanks, means khali jagah bharo. First is before mein diye gaye number se pehle ka number hume write down karna hai. First is 44 se pehle kaun sa number aata hai wo hume write down karna hai. To 44 se pehle aata hai 43. Next is 68 से पहले कौन सा नंबर आता है? नंबर आता है 67. 73 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 72. 89 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आता है? 88. नेक्स्ट इज बिटवीन, मीन्स दिए गए दो नंबर के बीच में कौन सा नंबर आएगा ये हमें यहाँ राइट डाउन करना है. 44 और 46 के बीच में आएगा 45. 74 एंड 76 के बीच में आएगा 75. 87 और 89 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 88. 93 और 95 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 94. नेक्स्ट इज आफ्टर, आफ्टर मीन्स बाद में, मीन्स दिए गए नंबर के बाद में कौन सा नंबर आएगा वह नंबर हमें राइट डाउन करना है. 24 के बाद 25, 43 के बाद में 44, 57 के बाद में जो नंबर आएगा 58, 69 के बाद में जो नंबर आएगा 70. क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट. जो डिजिट कलर्ड है उसका हमें प्लेस वैल्यू फाइंड करना है. प्लेस वैल्यू क्या होती है? किसी नंबर में किसी पर्टिकुलर डिजिट का कौन सा प्लेस है, जैसे वंस प्लेस पर है, टेंस प्लेस पे है, हंड्रेड प्लेस पे है या थाउजेंड प्लेस पे है, ये हमें फाइंड करना होता है. तो यहाँ पर जो कलर डिजिट है वह सिक्स है और सिक्स का प्लेस है वंस टेंस. तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 10 से. 6 मल्टीप्लाई बाय 10 इक्वल टू 60. नेक्स्ट इज 852 में कलर डिजिट है 2. इसका प्लेस कौन सा है? इसका प्लेस है 1s. तो 2 का मल्टीप्लाई होगा 1 से. 2 वन जा 2. नेक्स्ट इज सी 365 में 3 का प्लेस है 100. तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 100 से इक्वल टू 300. नेक्स्ट इज 193 में 9 जो कलर डिजिट है इसका प्लेस है 1s 10s. तो 9 का मल्टीप्लाई होगा 10 से
9 10 90. नेक्स्ट इज 176 में कलर डिजिट है 7 और 7 का प्लेस है 10s, तो 7 का मल्टीप्लाई होगा 10 से इक्वल टू 70. 283 में कलर डिजिट है 3 जिसका प्लेस है 1s, तो 3 का मल्टीप्लाई होगा 1 से, 3 बन जा 3. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट द नंबर नेम्स, मीन्स दिए गए नंबर के हमें नंबर नेम राइट डाउन करना है. फर्स्ट है 48, नेक्स्ट 27, नेक्स्ट सी 63, नेक्स्ट डी इज 89, नेक्स्ट इज 92, नेक्स्ट इज 78, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज ऐड, मींस दिए गए नंबर को हमें ऐड करना है, प्लस करना है. 6 प्लस 3 9, 5 प्लस 2 7, 8 प्लस 1 9, 1 प्लस 3 4, 6 प्लस 3 9, 2 प्लस 6 8, 2 प्लस 7 9, 8 प्लस 2 10. क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज सब्ट्रैक्ट. इस क्वेश्चन में हमें बिगर नंबर में से स्मॉलर नंबर को माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. 6 में से 4 को माइनस किया 2, 8 में से 2 को माइनस किया 6, 8 में से 3 को माइनस किया 5, 4 में से 1 को माइनस किया 3, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 7 में से 6 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 9 में से 6 को माइनस किया 3. क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 इज मल्टीप्लाई. इस क्वेश्चन में दिए गए 2 नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसको कहते हैं हम प्रोडक्ट. 60 टेबल को रीड करेंगे 2 टाइम्स, 6 टू जा 12. 4 की टेबल को रीड करेंगे 3 टाइम्स, या 3 की टेबल को आप रीड कर सकते हैं 4 टाइम्स. तो 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12. 3 की टेबल को रीड करेंगे 6 टाइम्स, 3 6 जा 18. 7 की टेबल को रीड करेंगे 4 टाइम्स, 7 4 जा 28. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7.
क्वेश्चन नंबर 7 इज लुक एट द क्लॉक एंड रीड द टाइम। दी गई क्लॉक्स को देखिए और उसमें जो टाइम है उसको रीड करिए। तो फर्स्ट ए, जो क्लॉक है उसमें टाइम है, जो आवर वाला हैंड है वह 2 पर है और मिनट वाला हैंड 12 पर है। तो टाइम हुआ है 2:00। नेक्स्ट बी, बी में जो आवर वाला हैंड है वह 8 और 9 के बीच में है और मिनट वाला हैंड 3 पर है। तो मींस इस क्लॉक में जो टाइम हुआ है 8:15, क्योंकि 12 से 1 पे आएंगे तो 5 मिनट, 12 से अब मिनट वाला हैंड 2 पे आएगा तो 10 मिनट्स, 12 से यदि मिनट वाला हैंड 3 पे आएगा तो 15 मिनट। दो नंबर्स के बीच में 5 मिनट का गैप होता है। कम टू द नेक्स्ट सी, इस क्लॉक में जो आवर वाला हैंड है वो 10 और 11 के बीच में है और मिनट वाला हैंड 6 पर है। तो इस क्लॉक में टाइम हुआ है 10:30। नेक्स्ट इज, जो आवर वाला हैंड है वो 4 के ऊपर है और मिनट वाला हैंड 9 पर है। तो इस क्लॉक में टाइम हुआ है 3:45। क्वेश्चन नंबर 8 इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द मिसिंग क्वेश्चन। मींस दिए गए ब्लैंक को हमें फिल करना है और जो क्वेश्चन मिस है उसको राइट डाउन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट ए, 56/8, 56 को 8 से डिवाइड करना है। तो 8 की टेबल को रीड करेंगे 56 तक, जहां पर 56 आ जाएगा वहां पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तो 8 7 56, तो यहां पर क्वेश्चन हो गया 7। नेक्स्ट बी, 45/9, 9 से 45 को डिवाइड करेंगे, 9 5 45, 72/8, 72 को डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 9 72। 25/5, 5 से 25 को डिवाइड करेंगे तो 5 5 25। 35/5, 35 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 7 35। 63/7, 63 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 9 63। क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 9, डिवाइड एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डिवाइड करना है, क्वेश्चन और रिमाइंडर को फाइंड भी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट ए, 6 से डिवाइड करना है 57 को। तो 57 जो है उसको हम कहते हैं डिविडेंड। जिस नंबर में डिवाइड किया जाता है वह कहलाता है डिविडेंड। जिस नंबर का डिवाइड किया जा रहा है उसको कहते हैं हम डिवाइजर।
तो 6 का डिवाइड करते हैं या तो 57 आए या 57 से कम, तो 6 9 जा 54 माइनस करेंगे, 7 में से 4 को माइनस किया 3, 5 में से 5 को माइनस किया 0, जो आंसर आया ये कहलाता है क्वेश्चन और जो लास्ट में नंबर बचा इसको कहते हैं हम रिमाइंडर। कम टू द नेक्स्ट, 5 का डिवाइड करना है 49 में, 5 की टेबल को रीड करेंगे या तो 49 आए या 49 से कम, 5 9 जा 45 माइनस करेंगे, 9 में से 5 को माइनस किया 4, तो यहां पर क्वेश्चन हो गया 9 और रिमाइंडर हो गया 4। नेक्स्ट इज 8 से डिवाइड करना है 75 को, 8 9 जा 72 माइनस करेंगे, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 7 में से 7 को माइनस किया 0, तो क्वेश्चन हो गया यहां पर 9 और रिमाइंडर हो गया 3। नेक्स्ट इज 7 से डिवाइड करना है 29 को, 7 4 जा 28 माइनस करेंगे, 9 में से 8 को माइनस किया 1, 2 में से 2 को माइनस किया 0, तो 4 यहां पर हो गया क्वेश्चन और 1 हो गया यहां पर रिमाइंडर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, कलर द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ईच फिगर एज स्टेटेड, मींस दिए गए फ्रैक्शनल पार्ट को हमें कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट ए फ्रैक्शन है 1/4, मींस टोटल पार्ट्स है 4 1 2 3 4, 4 पार्ट्स में से हमें 1 पार्ट को कलर करना है। लाइक दिस, कम टू द नेक्स्ट बी, 1/3, तो 3 क्या है यहां पर डिनोमिनेटर है और 1 है न्यूमेरेटर, तो डिनोमिनेटर है 3 तो टोटल पार्ट्स हो गए 3 1 2 3, 3 में से हमें 1 पार्ट को कलर करना है। कम टू द नेक्स्ट सी, सी में जो फ्रैक्शनल है 2/4, 2 एज अ न्यूमेरेटर एंड 4 एज अ डिनोमिनेटर, तो टोटल पार्ट्स हो गए 4 1 2 3 4, 4 पार्ट में से हमें 2 पार्ट्स को कलर करना है। नेक्स्ट इज डी, डी में फ्रैक्शन है 1/3, मींस टोटल पार्ट्स हैं 3, 3 पार्ट में से 1 पार्ट को हमें कलर करना है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 इज कन्वर्ट इनटू पैसे, दिए गए रुपए को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हम जानते हैं रुपीस 1 इक्वल टू 100 पैसे, 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं, रुपीज 2
इक्वल टू 200 पैसे। 2 रुपीज में 200 पैसे होते हैं। मींस यदि हमें रुपए को पैसे में कन्वर्ट करना है तो दिए गए रुपए में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। रुपए से यदि पैसे में कन्वर्ट करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन है रुपीज 3। 3 रुपीज को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो 3 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। 3 मल्टीप्लाई बाय 100 तो आंसर इज 3 का 100 से हुआ 300। तो कितने पैसे हो गए, 3 रुपीज में 300 पैसे। नेक्स्ट इज रुपीज 4 एंड 20 पैसे को कन्वर्ट करना है हमें पैसे में। इस क्वेश्चन में 20 पैसे ऑलरेडी पहले से ही पैसे हैं तो 20 पैसे को कन्वर्ट नहीं करेंगे, 20 को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे, 4 को। मींस 4 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 20 को उसमें प्लस करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 20 इक्वल 4 का 100 से मल्टीप्लाई हुआ 400 प्लस 20 इक्वल टू 420 पैसे। तो 4 रुपीज 20 पैसे में टोटल पैसे हो गए आपके 420 पैसे। कम टू द नेक्स्ट C9। 9 रुपीज में कितने पैसे होंगे तो 9 में हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और 100 का मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 900। नेक्स्ट इज रुपीज 8 एंड 50 पैसे को हमें पैसे में कन्वर्ट करना है तो यहां पर 50 ऑलरेडी पहले से ही पैसे हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। कन्वर्ट करेंगे 8 रुपीज को तो 8 का मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। 8 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो 800 और 50 को उसमें ऐड करेंगे तो टोटल पैसे हो गए 850। कम टू द नेक्स्ट कन्वर्ट इनटू रुपीज क्वेश्चन नंबर 12। मींस दिए गए पैसे को हमें कन्वर्ट करना है रुपीज में। पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए हम डिवाइड करते हैं 100 से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 840 पैसे। 840 को डिवाइड करेंगे हम 100 से। जब हम 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो 100 की हम जीरो को काउंट कर लेंगे, जीरो नंबर ऑफ जीरो है कितनी, 1 2। राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर 1 2 हम एक डेसिमल पॉइंट लगा देंगे। एट फोर जीरो, अब 2 डिजिट छोड़नी है क्योंकि हमारे पास 100 में जीरो कितनी है, 2 1 2 1 2। 2 डिजिट के बाद हम क्या लगाएंगे यहां पर, एक डेसिमल पॉइंट। जब हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रुपीज में। तो 840 पैसे में रुपीज हो गए 8.40
40. नेक्स्ट इज 230. पैसे में कितने रुपीज होंगे इसको कन्वर्ट करना है, तो इसमें 100 का डिवाइड करेंगे और 100 का डिवाइड करने पर जो आंसर आएगा वह आएगा आपका रुपीज 2.30. नेक्स्ट इज 160 पैसे. 160 पैसे को रुपीज में कन्वर्ट करने के लिए राइट हैंड से दो डिजिट छोड़कर हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. अब टू डिजिट क्यों छोड़ेंगे, कि 100 के पास जीरो कितनी है, 1, 2. तो टू डिजिट राइट हैंड से छोड़कर हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, रुपीज 1.60. 730 को भी कन्वर्ट करना है रुपीज में, रुपीज का सिंबल बनाएंगे 7.30. क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज एड और सब्ट्रैक्ट. क्वेश्चन नंबर 13 में हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है दी गई मेजरिंग यूनिट्स को. फर्स्ट इज 0 + 7 = 7, 1 + 5 = 6, 3 + 3 = 6, 2 + 6 = 8, 4 + 2 = 6. कम टू द नेक्स्ट, 2 + 8 = 0, 0 का 10 का 0 1 कैरी. 3 + 7 = 10, 10 और 1 = 11, 11 का 1 1 कैरी. 4 + 2 = 6 और 1 = 7, 6 + 5 = 11 का 1 1 कैरी. 3 + 1 = 4 और 1 कैरी का 5. तो आंसर इज 51 kg and 710 g. कम टू द नेक्स्ट, सी 4 में से 3 को माइनस किया 1, 5 में से 2 को माइनस किया 3, 8 में से 6 को माइनस किया 2, 4 में से 3 को माइनस किया 1, 2 में से 1 को माइनस किया 1. तो आंसर इज 11 kg and 231 g. कम टू द डी पार्ट, 5 + 8 = 13, 13 का 3 1 कैरी, 3 + 1 = 4 और 1 कैरी का 5, 4 + 6 = 10, 10 का 0 1 कैरी, 8 + 3 = 11, 11 और 1 = 12, 12 का 2 1 कैरी, 1 + 2 = 3 और 1 कैरी का 4. तो आंसर इज 42 liter and 53 milliliter. क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो चुका है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 इज कन्वर्ट दीस इनटू सेंटीमीटर, मींस इनको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए. जैसा कि हम जानते हैं 1 meter इक्वल टू 100 centimeter. 1 meter में 100 centimeter होते हैं, 2 meter में 200 centimeter होंगे, इसी तरीके से 3 meter में 300, 4 meter में 400 centimeter होते हैं. जब भी हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दिए गए नंबर में हम 100 का मल्टीप्लाई
करेंगे। क्वेश्चन 14 का पार्ट वन इज 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 40 ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर है, तो इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। कन्वर्ट किसको करेंगे? 2 मीटर को। तो 2 मीटर 40 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है हमें सेंटीमीटर में। तो हम 2 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और जो ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर थे इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। 2 का 100 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर इज 200 प्लस 40। 200 और 40 को ऐड करेंगे तो आंसर इज 240 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया इसका 240 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 8 मीटर 60 सेंटीमीटर। मींस ये ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर है, इसको ऐड करेंगे और 8 मीटर को कन्वर्ट करेंगे हम सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने का मल्टीप्लाई करते हैं? 100 का। 8 में 100 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 800, उसमें 60 को प्लस कर दिया तो आंसर इज 860। नेक्स्ट इज 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर 30 ऑलरेडी पहले से सेंटीमीटर है, 5 मीटर को 30 मीटर में नेक्स्ट इज सी 5 मीटर 30 सेंटीमीटर। यहाँ पर 30 ऑलरेडी पहले से ही सेंटीमीटर है तो कन्वर्ट करेंगे हम यहाँ 5 मीटर को। 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 5 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। 5 का 100 में मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 500, उसमें 30 प्लस करेंगे तो आंसर इज 530 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज 4 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 60 पहले से ही सेंटीमीटर है तो 60 को हम ऐड करेंगे और कन्वर्ट करेंगे 4 मीटर को। 1 मीटर में 100 होते हैं तो 4 मीटर में होंगे 400 प्लस 60 तो टोटल जो सेंटीमीटर हो गए 460 सेंटीमीटर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज कन्वर्ट दीज इनटू मीटर्स। दिए गए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। जब हम सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो दिए गए नंबर या डिजिट में 100 का डिवाइड करते हैं। सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे हम दिए गए नंबर और दी गई डिजिट में 100 का। तो क्वेश्चन नंबर 15 का पार्ट वन ए 900 डिवाइड बाय 100। 100 में नंबर ऑफ जीरो कितनी है? 2 1 2। तो राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर 1 2 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगा देंगे? डेसिमल पॉइंट 9 0 0। तो 2 डिजिट छोड़कर हमने लगा दिया एक डेसिमल पॉइंट। अब डेसिमल पॉइंट लगाया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया? मीटर में। तो 900 में जो मीटर होंगे वह होंगे आपके 9 मीटर। कम टू द नेक्स्ट, 685 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करिए मीटर और सेंटीमीटर में। तो 685
685 मीटर में, सेंटीमीटर में हम 100 का डिवाइड करेंगे, 685 डिवाइड बाय 100 पर नंबर ऑफ जीरो कितनी है, 2। तो राइट हैंड से 2 डिजिट छोड़कर हम क्या लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट, 6.85। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड पर जो नंबर है वह बन गया मीटर, मींस 6 मीटर, और डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड पर जो नंबर है वह बन गया आपका सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर हो गए 6 और सेंटीमीटर हो गए 85। कम टू द नेक्स्ट, 465 सेंटीमीटर को हमें मीटर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसमें जब हम 100 का डिवाइड करेंगे तो दो डिजिट छोड़कर 5 और 6 के बाद हम एक डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड पर जो नंबर है वह बन जाएगा सेंटीमीटर और लेफ्ट हैंड पर जो नंबर है वह बन जाएगा आपका मीटर। तो मीटर हो गए 4 और सेंटीमीटर हो गए 65, 400 सेंटीमीटर में 100 का डिवाइड करेंगे तो 100 में नंबर ऑफ जीरो है 2, तो 2 डेट छोड़कर हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल पॉइंट, तो इसमें मीटर हो गए आपके 4 चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। वी विल मीट द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।